असलम दोस्तों मेरा नाम है जुनीद कुरैशी और आज आपके लाए हैं होली लैंड का लाख 150 फिफ्टी इट्स अ क्लिप ऑन वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम वॉट इज़ द ड्रिल यू नो इट सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे फिर इसके फंक्शन के फीचर्स वो आपको बताएंगे और एट दी एंड इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो आपको कंपेरिजन करके दिखाएंगे विद आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट इज़ रोड वायरलेस गो तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये हमें भेजा गया है होली लैंड की तरफ से बट इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एंड वी आर नॉट बाउंड टू से एनी थिंग विच वी डोंट फील लाइक तो जो भी हम इसके बारे में समझेंगे और जो अच्छा लगेगा वो आपको बताएंगे जो बुरा लगेगा वो आपको बताएंगे एंड वी आर नॉट बाउंड तो विदाउट एनी फर्दर डू यू लेट स्टार्ट दिस वीडियो इज ब्रॉट बी एन डब्ल्यू कलेक्शन स्टॉप शॉप फॉर कैमराज एंड एक्सेसरीज डू विजिट अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट बी एन डब्ल्यू कलेक्शन डॉट कॉम तो ये है जी लार्क वन फिफ्टी का बॉक्स Pretty simple. Let us open it with our trusty knife. Okay, paperwork, we do not need it. Then there is a box, pouch, pouch, andar you get TRS to TRRS, TRS to TRS cable, a USB C to USB A cable, uh, lavalier mic 1, lavalier mic 2, and then 2 windshield. Pretty good. Then case itself. वेरी नाइस केस के अंदर हैं जी दोनों ट्रांसमीटर्स और आपको मिलेगा रिसीवर एंड देन नथिंग एल्स इन द केस अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख ली लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स फीचर एंड इट्स डिज़ाइन तो लार्ज 150 फिफ्टी कम्स विद दिस केस इट्स नॉट जस्ट अ केस ये एक चार्जिंग केस है जब भी आप इसके अंदर ये रिसीवर और ट्रांसमीटर्स को रखेंगे ये इनको चार्ज रखेगा जब तक इसकी बैटरी है दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट लार्क 150. और जब आप इन दोनों ट्रांसमीटर्स को इस रिसीवर के साथ इस चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेयर होके कनेक्ट होके ऑन होके आपके सामने होते हैं ता, ताकि आप इनको यूज़ कर सकें एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट इट्स अमेजिंग विदाउट टचिंग एनी बटन विदाउट डूइंग एनी आपका यूनिट रेडी है इस्तेमाल के लिए तो इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमीटर की ट्रांसमीटर जो है वो बहुत ही छोटा और बहुत लाइट वेट है और मेरे ख़्याल से शायद ये इस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा लाइट वेट और सबसे ज़्यादा छोटा ट्रांसमीटर होगा ट्रांसमीटर के टॉप पे आपको एक अदद मिलता है जी माइक्रोफोन ग्रिल और उसके बराबर में आपको 3.5 पॉइंट फाइव टी आर एस पोर्ट मिलती है इस पर आप लेवलियर माइक भी लगा सकते हैं या शील्ड जो इसके साथ आपको मिलती है वो इसके अंदर आप अटैच कर सकते हैं इसके अलावा इसकी राइट साइड पे आपको एक एकद्रत बटन मिलता है ये बटन फंक्शनल है इसको आप एज अ म्यूट बटन भी यूज कर सकते हैं और इस यूनिट को ऑन एंड ऑफ करने के काम भी ला सकते हैं इसको वन टाइम आप प्रेस करेंगे तो ये म्यूट कर देगा इनपुट को और अगर आप इसको थ्री सेकेंड प्रेस करके रखेंगे तो ये यूनिट को ऑफ या ऑन कर देगा इसके अलावा ट्रांसमीटर के ऊपर दो एलईडी लाइट्स हैं राइट वाली एलईडी लाइट जो है वो बैटरी के लिए है और लेफ्ट वाली लाइट जो है वो इस यूनिट के लिंक को बताने के लिए है अगर बैटरी लाइट ग्रीन है तो इसका मतलब है कि बैटरी फुली चार्ज है और अगर बैटरी लाइट येलो है तो इट मीन्स इट्स चार्जिंग और अगर बैटरी लाइट रेड है तो बैटरी लो है इसके अलावा जो राइट वाली लाइट है दैट इंडिकेट्स लिंक बिटवीन रिसीवर एंड ट्रांसमीटर अगर ये ब्लू है तो इट मीन्स रिसीवर एंड ट्रांसमीटर आर लिंक टुगेदर अगर ब्लू जो है वो ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स के इट्स नॉट पेयर्ड नाउ और अगर ये येलो है तो इट मीनस के इस वक्त ये यूनिट म्यूट है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसीवर रिसीवर के फ्रंट पे एक छोटी सी एल स्क्रीन है इस एल स्क्रीन के दोनों तरफ दो नॉब्स हैं ये नॉब्स दोनों ट्रांसमीटर्स की इनपुट को कंट्रोल करने के लिए हैं ज्यादा और कम इस एल स्क्रीन के ऊपर आप दोनों ट्रांसमीटर के इनपुट लेवल चेक कर सकते हैं उनकी बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं और सिग्नल स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा दोनों नॉब्स के ऊपर आपको एक छोटी सी एल लाइट नज़र आएगी जो कि इसका लिंक बताएगी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अगर आप इस नॉब को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसमीटर को म्यूट कर देगी और ट्रांसमीटर के ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो येलो हो जाएगी आपको दिखाने के लिए कि इट्स म्यूट नाव और इसके अलावा अगर आप थ्री सेकेंड्स तक इस नॉब को प्रेस करके रखेंगे तो आप डिफरेंट मोड्स जो हैं इसके वो उनमें स्विच कर सकते हैं वो मोड्स क्या हैं वो आगे चल के आपको हम वीडियो में बताते हैं इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड पे इसके एक लाइन आउट की पोर्ट मिलती है जिससे आप अपना कैमरा या स्मार्टफोन या लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं और इसके राइट साइड पे आपको एक फोन की पोर्ट नजर आती है उस पोर्ट के थ्रू आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके ऐप के थ्रू इसका जो ऑडियो लेवल्स है वो चेक कर सकते हैं इनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उसके लिए आपको और इसके बराबर में आपको एक बटन मिलता है जिससे आप इस यूनिट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं तो ये हो तो हो गई इसकी सारी फंक्शनलिटी एंड हाउ इट वर्क लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैटरी टाइम हर बंदे को बैटरी की बड़ी फिक्र होती है कि जी इसकी बैटरी कैसी है तो बैटरी का यह है कि जी इसका जो रिसीवर है दैट लास्ट अप टू फोर आवर्स और जो इसके दोनों ट्रांसमीटर्स हैं वो सात साढ़े सात घंटे का बैकअप देते हैं और अगर इसका ये जो चार्जिंग केस है ये फुली चार्ज हो तो ये इन तीनों को 2.5 टाइम्स फुली चार्ज कर सकता है जीरो टू हंड्रेड विच इज बेडी गुड विच इज अमेजिंग एक्चुअली और अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो जो ट्रांसमीटर है दैट चार्जेज इन फोर्टी फाइव मिनट और रिसीवर जो है वो सिक्सटी फाइव मिनट लगाता है चार्ज होने में और जो केस है इट सेल्फ दैट टेक्स लाइक टू एंड हाफ आवर टू फुली चार्ज और चार्जिंग केस जो है वो उसको खाली चार्ज करने के काम नहीं आता दैट यूज इज ऑल्सो टू अपडेट द फर्मवेयर इसको आप यू एस सी के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके आप फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं और कंप्यूटर के थ्रू इसके ऊपर अपलोड करके इसका फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं और जैसा आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा था इट कम्स विद टी आर एस एंड टी आर आर एस केबल वन केबल इज टी आर एस टू टी आर एस विच यू यूज विद योर मिररलेस कैमरा एंड एक्शन कैमरा और फ़ोन और लैपटॉप के लिए इन्होंने इसके साथ टी आर एस टू टी आर एस केबल भी इंक्लूड की हुई है तो इसके फंक्शन के बीच में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नॉब है इसको जब आप प्रेस करके रखते हैं तो इट बिटवीन डिफरेंट मोड्स वो मोड्स क्या है थर्ड वन इज सेफ्टी ट्रैक वन वन बाय इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज में है बाकी आपको अगर इसके बारे में मजीद चेक करना हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं तो सबसे पहला मोड है इसका मोनो मोड मोनो मोड में जो मोनो ऑडियो है ये दोनों के दोनों ट्रांसमीटर पे सेम साउंड रिकॉर्ड करेगा नो मैटर इफ यू आर यूजिंग वन ट्रांसमीटर और बोट ट्रांसमीटर दिस इज अ गुड फास्ट पेस सिस्टम जिसमें जैसे मैं इस वक्त यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और मुझे अपना रिकॉर्डिंग करनी है तो मेरे लिए दिस इज द बेस्ट मोड जो कि uh, मैं यूज कर सकता हूँ इसके अलावा जो इसका दूसरा मोड है दैट इज स्टीरियो मोड इस मोड में आप राइट right चैनल एक ट्रांसमीटर पे रिकॉर्ड uh, करते हैं और लेफ्ट चैनल एक ट्रांसमीटर पे रिकॉर्ड करते हैं दिस ऑप्शन इज गुड फॉर लाइक टू पीपल टॉकिंग कोई तो इंटरव्यू चल रहा है तो आप किसी एक की वॉल्यूम को आप डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है ये बट इसमें पोस्ट में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है मोनो में ऐसा नहीं है और जो लास्ट इसका मोड है वो है सेफ्टी ट्रैक सेफ्टी ट्रैक इज मोडलेस लाइक मोनो लेकिन उसके अंदर ये होता है कि जो एक ट्रांसमीटर है वो माइनस सिक्स के डेसिबल से साउंड को रिकॉर्ड करता है जिसमें एक में साउंड हाई होती है एक में साउंड थोड़ी सी लो होती है ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दूसरे वाले से इंक्रीज़ कर सकें या अगर एक में ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है हायर साउंड रिकॉर्ड हो गई है तो आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकें तो ये थी जनाब इसकी फंक्शनलिटीज एंड फीचर्स अब मैं करने ही लगाऊँ कि मैं एक और कैमरा इस कैमरे के साथ लगाता हूँ इस कैमरे पे मैंने ये सारी वीडियो अभी तक रिकॉर्ड की है रोड वायरलेस गो से वो वाला कैमरा लगाते हैं उसके ऊपर ये लार्क का सारा सिस्टम लगाते हैं दोनों को साइड बाय साइड रिकॉर्ड करते हैं मैं अपनी स्विच करता रहूँगा इन बिटवीन उसी दौरान मैं अपना पूरा वर्डिक्ट दूंगा इसके बारे में और साउंड जो है वो शिफ्ट करता रहूँगा और स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता रहूँगा इस वक्त कौन से माइक्रोफोन की आप साउंड सुन रहे हैं तो चलें आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को तो ये है जी हमारा सेटअप लेफ्ट पे मेरे रोड वायरलेस गो राइट पे मेरे लार्क 150 फिफ्टी इन बिटवीन दिस टॉक आई एम गोइंग टू स्विच बिटवीन बोथ कैमराज एंड माइक्रोफोन्स आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इट इट मस्ट भी हैपनिंग राइट नाउ तो uh, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपना वर्डिक देना चाहता था इस पूरे सिस्टम के बारे में बिकॉज मैं पिछले कोई एक साल से दो साल से वायरलेस गो यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे अच्छी बात मुझे लार्क 150 की लगी है वो ये है कि जो वायरलेस गो है एक तो ये किसी किस्म के केस वगैरह के साथ नहीं आता इसके अंदर आपको दोनों यूनिट्स को रिसीवर और ट्रांसमीटर हमारे पास सिंगल वाला है तो उन दोनों को सेपरेटली हमें चार्ज करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं चार्ज करना भूल जाता हूँ यूज़ करने के बाद जैसे इस वक्त ये सारी वीडियो मैंने काफ़ी लंबी बनाई तो मैं उसको रख देता हूँ कि चलो बाद में करूँगा फिर जब मुझे ख्याल आता है कि मैं वीडियो एक बनाऊँ और जब मैं उसको निकालता हूँ तो वो यूजअली कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चार्ज नहीं हुआ हुआ होता और ये चीज़ इतनी अनोय करती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है कि मेरा सारा का सारा सिस्टम आउट हो जाता है इससे फिर मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ता है लार्क 150 में दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट इसका केस अगर आपका चार्ज है आपने उसके अंदर डाल के इसको स्टोर किया हुआ है इट कीप्स चार्जिंग जैसे जैसे उसकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी ये इसको चार्ज करता रहेगा और द मोमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको, इसको इस्तेमाल करने की आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि ये सब सबको चार्ज मिलेगा अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इसको छोड़ दें तो बैटरी सारी चीज़ों की ड्रेन आउट हो जाए दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली हमारे जैसे केस में स्पेशली तो ये तो मैं इसको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड दूंगा इस सारे सिनेरियो में मैं आपको थोड़ा सा ही सिनेरियो बता दूँ कि ये दोनों के दोनों इस वक्त हमारे कैमरे के भी इनपुट लेवल जो है वो सेवन हैं लेकिन जो वायरलेस गो है इसके अंदर एक और कमी मुझे नज़र आती है लार्क 150 के अगेंस्ट में वो ये है कि जो इसका रिसीवर है इसके ऊपर ट्रांसमीटर से रिसीव करने के कोई ऐसे लेवल्स नहीं हैं जैसे हमारे पास होते हैं वन से लेकर 26 ट्वेंटी सिक्स तक हमारे कैमराज में भी जबकि इसके अंदर इन्होंने ऐसे लेवल्स दिए हुए हैं नंबर के हिसाब से इसके अंदर इन्होंने तीन लेवल दिए हुए हैं लो मिड एंड हाई जो इसकी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको वन से ले कर आई डोंट नो विच नंबर तक तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आप याद कर लेते हैं कि मैंने किस लेवल के ऊपर शूट किया और एक दफ़ा आपने सेटिंग कर ली एवरीथिंग इज़ फाइन इट्स गुड मसला इसमें भी कोई नहीं है हम मिड पे रख के चलाते रहे हमेशा से हमें कोई इशू रहा नहीं है लेकिन दिस आई फील इट्स अ वेरी प्रोफेशनल और वेरी बेटर वे टू डील विद इनपोर्ट्स ये मुझे इसके अंदर और मज़ीद बेहतर लगा तो दो पॉइंट मेरे इसके हो गए एक्चुअली कंपैरिजन ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इस नए सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इसके अलावा जब मैंने इन दोनों साउंड क्वालिटीज़ को अपने तौर पर चेक किया तो मुझे इसमें कोई बड़ा ह्यूज फ़र्क नहीं लगा मुझे दोनों साउंड क्वालिटीज़ अच्छी लगी हैं लार्क वन के अंदर ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरी वोकल है वो ये ज़्यादा अच्छी पिक कर रहा है बन वायरलेस गो के ये वोकल के साथ सराउंडिंग की जो हमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा है इसमें इट इज़ मोर फोकस टू माय वोकल ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़ी नीट सी साउंड मुझे इसकी महसूस हुई है इसकी नस्बत बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर अबाउट इट लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा है वर्डिक मेरा ये है कि जी आई हाईली रिकमेंड लार्क वन जो भी इस नए सेटअप में आना चाह रहा है मल्टीपल रिसीवर हैं प्राइस पॉइंट इज गुड अगर आप वायरलेस गो टू पे जाते हैं जिसमें मल्टीपल रिसीवर्स हैं सॉरी मल्टीपल ट्रांसमीटर्स हैं तो प्राइस आई बिलीव बिट हाई और प्लस साथ में चार्जिंग का सारा सिस्टम मौजूद है आपको थर्ड पार्टी कुछ बाई करने की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आपने इसको केस से निकाला इट्स प्लग एंड प्ले यू डोंट हैव टू प्रेस अ सिंगल बटन टू मेक इट वर्क मुझे ये फीचर भी बहुत ही आला लगा है रोड में ये होता है कि जी पहले मुझे अपना रिसीवर ऑन करना पड़ता है फिर मुझे अपना ट्रांसमीटर ऑन करना पड़ता है अगर मैं किसी टाइम पर भूल जाऊँ तो मुझे फ़िक्र हो जाती है पता नहीं यार ऑन है या नहीं है मैं बार बार इन दोनों को देखता हूँ इसमें ऐसा नहीं है तो मेरा वर्डिक्ट इज़ हंड्रेड परसेंट विद लार्क वन फिफ्टी इट्स नॉट हंड्रेड परसेंट साइड बाई साइड लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद आया थोड़ा सा इसका यूनिट साइज़ बड़ा है इन कंपेरिजन टू गो टू गो टू इज़ वेरी कॉम्पैक्ट रिसीवर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक होली लैंड अगेन फॉर सेंडिंग अस दिस यूनिट आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको हमारा ये रिव्यू भी पसंद आया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो स्टिल गिव अस अ थम्स अप बहुत एफर्ट लगती है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टिल देन पीस